जब आप एक एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पे काम करते हो जो ऑलरेडी एक कंपनी में प्रेजेंट है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई एक बेसिक टॉपिक्स है, ये वाले टॉपिक्स को अगर अच्छे से रिवाइज कर ले तो वर्किंग करना थोड़ा इजी हो जाता है. व्हाट आर दोस टॉपिक्स व्हिच यू फील कि आमतौर पे जो आपके जेंकिंस पे टेस्ट रन होते हैं, चाहे आप उसको रिग्रेशन रन कर दो या सिर्फ आप यूआई के टेस्ट रन कर दो या स्मोक रन कर दो, सैनिटी, इनके टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? Hey friends, welcome back to the class and I hope you guys are doing pretty good. So few days back I was having a session with one of my ex student Abhishek. उनकी पूरी की पूरी जर्नी फ्रॉम नॉन टेक्निकल पर्सन टू अ टेक्निकल जॉब वर्किंग एज अ टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, आई हैव कैप्चर्ड इट ऑफ. उनको कौन से चैलेंजेस आए थे प्रोजेक्ट्स में, हाउ ही वाज एबल टू ब्रिंग ऑटोमेशन इनटू हिज प्रोजेक्ट्स, उनके प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ही हैज ऑटोमेटेड, जनरली जो आमतौर पर आपको पता होना चाहिए फॉर योर इंटरव्यू पर्पस. मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस करके रखी है. द रीज़न आई हैव डिसाइडेड टू हैव दीज सेशंस इज बिकॉज जब आप दूसरों के प्रोजेक्ट को समझोगे कि दूसरे लोग अपने कंपनीज में, अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेशन किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू गाइज बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू टॉक इट ऑफ ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज. ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आए. कोई भी डाउट्स हो आप डिस्कशन सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा उसे आंसर करने के लिए. ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू मेक द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू सो मच, एंजॉय द सेशन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. सो अभिषेक यार, हम लोग तो एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं एंड द पॉइंट ओवर हियर दैट कम्स इनटू पिक्चर इज आई नो योर बैक स्टोरी. सो द पॉइंट दैट आई हैव फॉर यू इज कि लेट्स से यू आर फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, सो नॉन टेक्निकल से जब आप टेक्निकल में मूव होते हो तो व्हाट डू यू थिंक इज बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैव फेस्ड कि लाइक ये सच में टाइम लग जाता है? सो बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहता है कि हमको कोडिंग, जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है और मुझे अभी एक जो नॉन आईटी बैकग्राउंड है और आईटी में अगर मेरे को इन मतलब जाना है इनिशियल पॉइंट्स पे, मेरे को सबसे पहले तो एक लैंग्वेज तो प्रॉपरली आनी चाहिए मेरे को लिए. तो जो तो वो मेरे को कुछ नहीं आता था. जो हमारे कॉलेज में सिखाते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होता कि हम उसके लिए उसको लेके आगे इंक्रीज कर पाएँ. तो कॉलेज में हमने सी पढ़ी, C++ पढ़ी, तो वो मतलब जस्ट बेसिक था पर उसका यूटिलाइज हम कर नहीं पाए क्योंकि कॉलेज में बस एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, हम उसके बाद जस्ट पेपर क्लिक करना होता. दूसरी बार जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को आपसे मैंने कनेक्ट किया था, याद है, तो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं. तो आपने जैसे जैसे गाइड बुक किया कि आप एक सबसे पहले स्टार्ट करो, आप एक गेट रखो, गेट के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लो क्योंकि वो मेन ऑब्जेक्टिव है. आपको शुरू से लेकर आखिरी तक आपको गेट को पढ़ना है. गेट के साथ साथ में आपके नेक्स्ट होता है आपका एक लैंग्वेज, जो कि आपने मुझे जो सिखा रहे थे वो जावा को ही मैंने प्रेफरेंस दिया और जावा पे ही मैंने फोकस किया. और इनिशियल पॉइंट पे ये वो था कि मेरे को कुछ जावा के बारे में मेरे को फ्रॉम जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया, मेरे को कुछ नहीं पता था क्या चीज़ होती है, उप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या भी मैंने कुछ नॉलेज नहीं थी मेरे को. बट द पॉइंट ओवर हियर इज जब आप जावा सीख रहे थे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या लगा, यानी आप जब अपने अभी आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, okay, which I know you are doing E2E testing, you have been doing API testing, UI testing, mostly आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में चीज़ें एक्सपीरियंस भी की और एक्सप्लोर भी कर रहे हो. So with your years of experience, which I know is like around 5 years of experience right now, okay, and in 5 years you have worked a lot. Like मैं धीरे धीरे बात कर दूंगा बाकी लोगों के लिए कि कौन से टेक्नोलॉजी पे काम किया है. जब आप एक एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पे काम करते हो जो ऑलरेडी एक कंपनी में प्रेजेंट है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई एक बेसिक टॉपिक्स है, ये वाले टॉपिक्स को अगर अच्छे से रिवाइज कर ले तो वर्किंग करना थोड़ा इजी हो जाता है. व्हाट आर दोस टॉपिक्स व्हिच यू फील? तो जैसे कि हमने अलग अलग टीमों में काम किया, अलग अलग प्रोजेक्ट पे भी काम किया, तो बेसिकली हमको फ्रेमवर्क में मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओप्स कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा इनिशियल पॉइंट है. आपको कभी जैसे मैंने हमेशा जावा पे काम किया, तो जावा के लिए मैंने जो टॉपिक्स उठाए थे वो मेरे को आपको कहीं से भी बाहर से भी नहीं मिलेंगे. आपको उस कॉन्सेप्ट में ही वो अपना फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं, चाहे कोई भी, जैसे कि हमारा कुछ डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे हम, उसके लिए अलग फॉर्मेट में चले जाते हैं, जैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में चले गए, कभी किसी पेज फैक्ट्री यूज़ कर लिया, कभी आपको उस कॉन्सेप्ट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिटेंस को कहाँ यूज़ किया, इंटरफेसेस को किस वे में यूज़ किया गया, वो चीज़ वो आपको इनडायरेक्टली आपको इनिशियली आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप जब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 to 20 days या 1 month तक अराउंड लगेगा उसको यूज टू होने में बस। ओके अगर आपको इनिशियल चीज़ें आती हैं उस कॉन्सेप्ट की तो बाकी आपका लॉजिक्स पे डिपेंड करता है वो पूरा। ओके एंड जनरली देन की समथिंग, जब आपने पहली बार ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, लेट्स से यू गेट स्टार्टेड, तो जब आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, लाइक यू गेट स्टक समवेयर, यू डोंट नो कि बाबा ये अभी कोड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको अभी मैं किस तरीके से सॉल्व करूँ, बिकॉज आपको तो सीधा बंदूक दे दी कि भाई चलो काम करो स्टार्ट करो। So how did you overcome that? Ki like they have already given me a framework and they want me to write the test scripts. So how do you ensure that you are understanding the various components of the framework? Did they give you any kind of a KT कि ये framework चलता कैसे है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है? देखिए जब भी हम एक टीम्स के अंदर में हम एंटर करते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किया उसमें आपको KT मिलती है, वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव की होती है जो कि बिजनेस के बारे में बताएगी कि वो कंपनी क्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड। दूसरी चीज़ होती है कि आप जब एक टीम के अंदर में जाते हो, जब आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है और आप एक टीम के अंदर में जाते हो, वहाँ पे एक अलग के टीम सेशन होता है जिसमें आपको एक प्रॉपर उसके चीज़ में जो भी उसका KT पूरा प्रॉपरली KT दिया जाता है कि ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है और ये आपका एक बडी असाइन कर दिया जाता है। चीज़ को शेडो करके हमको थोड़ा सा नॉलेज मिलती है, शेडो बडी। ओके शेडो बडी। एंड जनरली ये आपको कोई सीनियर ही है या एग्जिस्टिंग कलीग है जो पहले स्टार्ट किया? यस। ओके एंड हाउ डू यू मेक श्योर कि लाइक आई नो कि लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि लोगों को डर लगता है एक दूसरे से सवाल पूछने के लिए, यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा सवाल पूछ लिया मैंने कि भाई कि लगे ना कि भाई 5 साल की एक्सपीरियंस वाला ऐसा सवाल पूछ रहा है। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि पापा यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन विदाउट गेटिंग जज्ड बाय द अदर पर्सन और यू आर लाइक गेटिंग ओवरवेल्म और थोड़ा सा डर ना लग जाए उस चीज़ को, कैसे करते हो इसमें? इनडायरेक्ट बोल दूँ तो मैं क्या करता था एज अ मैं कभी सीनियर और जूनियर वाला मैंने कभी किया ना। अभी जैसे जैसे मैं अगर कांटेक्ट करूँ, जैसे आपसे बात करिए वैसे मैं भी उनसे भी मैं वैसे ही इंटरेक्शन रखता हूँ। पर डे मैं कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट लेके उनके पास पहुँच जाता था कि इसके बारे में डिस्कशन करना है, ये उसने पूछना नहीं है, डिस्कशन हम जो है वो डिस्कशन करते हैं, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग या ऐसे क्यों किया ऐसे क्यों नहीं किया ये क्या किया ऐसा चीज़ नहीं पूछनी, हमको सिर्फ डिस्कशन करना है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है तो अगर कुछ मैं इनपुट दे सकता हूँ तो वो कर सकते हैं ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे, और क्योंकि वो पहले से काम कर रहा हो और हो सकता है उन्होंने फ्रॉम स्केच वो फ्रेमवर्क को तैयार कर रखा, तो हमको उसके साथ डिस्कशन करना है। उसके लेवल पर हमको अपने आप को पहुँचाने के लिए हमको कंटिन्यूसली अप्रोच करना पड़ेगा। And continuously you need to keep yourself updated with what is happening over there. अच्छा, which version of Java you are using in your framework right now? अभी तो 8.1 ही यूज कर रहे थे, अब 11 कर रहे हैं। 8.1, 1.8। हाँ, 1.8, sorry। 1.8 Java 11। Okay, Java 11। हम 11 कर रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए 17। Okay, development. Okay, for framework you are using Java 11. Okay, and development के लिए you are using Java 18. Now अगर 17. जैसे 17, okay. डेवलपमेंट एज इन द डेव टीम इज यूजिंग जावा 17। बट मेरे को ये बताओ क्या तुम्हारा जो फ्रेमवर्क है, मैं उसकी कंपोनेंट्स पे बाद में आऊँगा, लेकिन जावा 11 के कौन से फीचर्स आपने अभी यूज़ किया अपने फ्रेमवर्क के अंदर? कि नहीं अभी तो नहीं, अभी रिसेंटली क्या है अब माइग्रेशन चल रहा है, अभी जैसे ये पिछली साल से ही यह बन किया है कि ओवर रेटेड हो गया, अब जावा मिनिमम जो लिमिट को उन्होंने जावा को 11 कर दिया, बेसिक जो स्टैंडर्ड हो गया, पहले 1.8 ही था तो अब 1.11 किया है, तो अब माइग्रेशन चल रहा है क्योंकि एकदम से आप 11 पे चले जाओगे तो बहुत सारे मेथड्स को हमको रिमूव करना पड़ता है और रिमूव करना पड़ता है, उसका करेस्पॉन्डिंग मेथड्स को लाना पड़ता है। यस यस यस, और उसके हिसाब से हमको फ्रेमवर्क को भी अपडेट करना पड़ता है, तो ओके वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ओके एंड जैसे आप लोग ने अपने फ्रेमवर्क में स्ट्रीम यूज करते हो, कहीं पे भी स्ट्रीम्स को यूज किया कहीं? नहीं अभी तो नहीं किया। जो जावा 5 या जावा 4 जावा कंसेप्ट से बस उसी को यूज करते हो मेजर? हाँ वही। मोस्टली उसी पे रखा जाता है ज़्यादा। ओके, नाउ द थिंग ओवर हियर इज, जैसे तो आपने ये करंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, व्हाट वाज योर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी ओवर देयर? लाइक नॉट योर्स बट आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बता सकते हो? जैसे कि लाइक यू नो, लाइक व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यूज राइट, ये बहुत बार आपको भी पूछा गया होगा कि टेल मी द टेस्टिंग स्ट्रैटेजी दैट यू हैव यूज्ड इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, और व्हाट वाज द टेस्टिंग स्ट्रैटेजी यू हैव डन। तो उसको कैसे आप अभी तो आप काम कर रहे हो, तो आप थोड़ा बता सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलती है? ओके, सो जस्ट गिव मी अ ब्रीफ लाइक हाउ डज दैट एंटायर स्प्रिंट में टेस्टिंग कैसे होती है, क्या है? हाँ, तो वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि नॉर्मल हमको टेस्टिंग व्हील के लिए एक स्टोरी असाइन होती है, स्टोरी असाइन होने के बाद हम उसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक हमको असाइन होता है, क्योंकि हम उसको फिर उसके बाद हम उसके ऊपर वर्क करते हैं लोकली। तो लोकली में अपना सेटअप वेटअप करके हम अपना पूरा उस पर टेस्टिंग की स्क्रिप्ट और जो भी सारे चीज़ें हम वो अपने लोकली टेस्ट करते हैं। लोकली के बाद में हम उसको फिर जेंकिंस से लिंक करते हैं, जेंकिंस से उसके बाद उसको पाइपलाइन के साथ लिंक करके उसके बाद उस पर टेस्टिंग करते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर करते हैं और उसके बाद एक रिग्रेशन लास्ट में टेस्टिंग होता है, जो कि हमारा रिग्रेशन होता है, जो कि स्प्रिंट से दो से चार दिन पहले हमको कम्प्लीटली तैयार करके और इसको रन किया जाता है। और उसके बाद आपको आउटपुट लेके अपने जो प्रिंट डेमो उसके अंदर में हम उसको प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमने क्लियर किया है, और उसको डेमो भी किया जाता है कि ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करी, ये फीचर्स हमने ऐड किए हैं, ये चीज़ें कोड्स ऐड किए हैं। और रीयूजिबिलिटी पे मोर फोकस करके रखते हैं, रीयूजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके रखते हैं। और जो स्टैंडर्ड होता है हमारे अंदर में, हमारे जो कोडिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सोनार क्यूब पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखते हैं कि उसके स्टैंडर्ड मैच करने चाहिए, नहीं तो आपका पुश नहीं होता। ओके, तो आप लोग ने वो कोड क्वालिटी गेट्स लगा के रखा है। यस, राइट। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जब आप लोग अपनी स्प्रिंट्स के डेमो दिखाते हो उसमें वो रिग्रेशन के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो कि किसके रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करते हो? देखिए, सारे रिजल्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपको मतलब एक फाइल तैयार होती है जिसको एक पूरा डेमो फाइल होती है, जिसके अंदर हमारा नेम के साथ साथ में हमारा स्टोरी का नेम होता है। उसके अंदर हम यूनिट टेस्ट की रिपोर्ट भी देते हैं, जो कि यूनिट टेस्टिंग की होती है, उसके रिपोर्ट भी हम उसके अंदर अटैच करते हैं, प्लस एक रिग्रेशन की रिपोर्ट तो ओवरऑल सबकी होती है, मतलब जो भी हमारी टीम्स ने किया, जितने भी टेस्ट रिपोर्ट्स हुए थे जो जेंकिंस से एग्जीक्यूट होते हैं वो लिंक करके रख देते हो। वो ओके, ये मीटिंग में कौन बना होगा? आपका प्रोडक्ट ओनर होगा, डेवलपर होगा, और कौन स्क्रम मास्टर होते हैं, और स्क्रम मास्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद अभी हमारे बेसिकली स्क्रम मास्टर्स नहीं, पीओ होते हैं हमारे। ओके, हमारे पीओ होते हैं, और हमारे जो लीड्स होते हैं, सारे लीड्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं। और उसके बाद साथ में हमारे साथ में जो हम तो एंड टू एंड है, अब इसके अलावा जो भी टीम्स होंगी, जो फंक्शनलिटी टीम्स होंगी, वो सब कुछ को प्रेजेंट करके रखते हैं। दो डेमोज होते हैं हमारे, एक तो इंटरनल डेमो होता है, हाँ दो, एक तो इंटरनल डेमो होता है जो कि हमारी पर्टिकुलर टीम के लिए होता है, जो कि हमारे को नॉलेज शेयरिंग में भी हो जाता है कि हमने ये कोड चेंज किए, और आपको इन नॉलेज मिल जाती है कि आपने शेयर किया, ये हमने नई फंक्शनलिटी लेके आए, तो वो एक डेमो के लिए सबको इंक्रीमेंट के लिए और नॉलेज शेयरिंग। दूसरा ये डेमो होता है जो कि हमारी सबकी टीम, जो सारी टीम है और हमारी टीम सबको मिला के एक डेमो दिया जाता है, जो कि आपको सामने वाले को भी एक्सप्रेस किया जाता है कि ये चीज़ें हमने करी हैं और ये स्प्रिंट में हमारा रिलीज हो रहा है। ऑल राइट, मेक सेंस थोड़ा सा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि ये तो आपने अपना टेस्टिंग स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मेरे को लग रहा है टेस्टिंग फ्लो के बारे में बताया कि पूरा स्प्रिंट चलता कैसे है। बट लेट्स से आप तो एंड टू एंड में काम कर रहे हो राइट, और लेट्स से उसके पहले आप एपीआई टेस्टिंग कर रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब आपको डेवलपर ने बोल दिया कि भाई मैंने एक एपीआई बनाई, ठीक है, सो हाउ डू यू टेस्ट दैट एपीआई? लेट्स से आपने जब याद होगा कि शायद यूआई पे काम कर रहा था बेसिकली पहले, जो यूआई, ओके ओके, तो यूआई पे अगर एक डेवलपर बोल रहा है कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, एक नया कुछ हमारा फ्लो रेडी हुआ है राइट, तो हाउ डू यू अप्रोच दैट टेस्टिंग? लाइक आपको अगर बोला जाए कि हमें एक फीचर आया है जिसको टेस्ट करना है, ठीक है, मेरा एक डेवलपर है, उसने एक कंपोनेंट बना दिया है, कोई आप एग्जांपल दे दो, कुछ भी कंपोनेंट, पेमेंट कंपोनेंट बना दिया, एक पेमेंट कंपोनेंट दे दिया या ठीक है लॉगिन कंपोनेंट दे दिया या कुछ ऐसे। लॉगिन नहीं लेते हैं, लॉगिन बहुत बार हो जाता है। पेमेंट कंपोनेंट आज जैसे करंट ऑर्गेनाइजेशन पे आप उसको कैसे टेस्ट करते हो, क्या अप्रोच है? तो बेसिकली जो भी हमारा जैसे यूआई में आया, तो पहले तो हम मेक श्योर करते हैं कि उसने जो डेवलप किया है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या क्या नया फीचर आ रहा है, उसका पीओसी लेते हैं उनसे या डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं कि वो सारा चीज़ें आपने जो भी किया है उसका फंक्शनैलिटी क्या है। और ये आप एडी के तौर पे लेते हो कि वो आपको या तो जाइफ क्या बोलते हो विकी पे कहीं पे अपलोड करके? नहीं, हमारा जो हम जो करते हैं हम वर्जन 1 यूज़ करते हैं, जो भी जीरा वेरा नहीं यूज़ करते हैं हम वर्जन 1 यूज़ करते हैं। हम जो वर्जन 1 के थ्रू ही हम सब कुछ कनेक्ट करके रखते हैं। अब जो हमारे जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है वो सबसे पहले हमारा जब हम पहले डेवलपर से कनेक्ट करते हैं जो रेस्पॉन्स, तो हमारे जो स्टोरी होगी उसके अंदर एक डेवलपर रहेगा, एक टेस्टर रहेगा। कि आपको तो एक स्प्रिंट प्लानिंग के टाइप पे पता चल जाता है। करेक्ट। तो वो चीजें वो जैसे रिव्यू वाले सेक्शन में चला जाएगा। जैसे हमारे होते हैं रेडी के बाद में इन प्रोग्रेस के बाद रिव्यू के बाद डन। ये हमारे 3 साइकिल होते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेड ये जो 5 साइकिल, ये 5 लेवल्स होते हैं, ये हमारे साइकिल्स के अंदर में आते हैं। हमारे जो होता है जो रेडी के अंदर में हमारा जो इनिशियल पार्ट होता है वो वहाँ से हमारा डेवलपर स्टार्ट करता है, रिव्यू तक लेके आता है, जिसमें उन्होंने रेडी से स्टार्ट किया, इन प्रोग्रेस में गया, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट किया, रिव्यू तक उन्होंने अपना डेवलपर ने अपना काम खत्म कर दिया। उसके बाद में रिव्यू के बाद उनके पीआर जब मास्टर ब्रांच में मर्ज हो जाती है डेवलपर की, वो क्लोज में चला जाता है। उसके बाद हमारा टेस्टिंग स्टार्ट होता था। हम उसके अंदर पहले मैनुअल टेस्टिंग करते थे कि पहले वो जाके फिर उसके बाद हमको लगता था कि ये सारी चीज़ें उन्होंने आपने करा है, ये फंक्शनैलिटी इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं, और संग अगर कुछ लिंक है तो वो लिंक संग सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने जो पॉइंट्स सारे डाले हैं वो सही है कि नहीं, जो पेज ओपन होना है वो सही है कि नहीं है। और जैसे कि आपने कुछ टेक्स्ट बॉक्स डाल रखा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर कुछ लिमिट डाल दिया, कुछ जैसे कि आपने कोई क्राइटेरिया डाल रखा है कि आप स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते, वो डाल रखा है, या कोई नंबर नहीं डाले दे सकते, तो वो सारी चीज़ें भी हम उससे पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते थे। ये चीज़ आप एक्सपेक्ट, तो ये डेवलपर हमको बेसिकली सारा और क्या करते हैं, जब हमारा डेवलपर जब सारा डेवलप खत्म कर देता है डेवलपमेंट, तो वो एक पीआर रेस करता है। तो पीआर रेस करता है, उसमें आपका डेवलपर का भी कॉलम रहता है कि वहाँ पे, और वहाँ उसने वो क्या करता है, वो पूरा जो फंक्शनैलिटी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना के उसमें आपको पेस्ट करके देता है। वहाँ पे आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं सारा डॉक्यूमेंटेशन, ये फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी में आपने ये डॉक्यूमेंट्स करना है, तो वो चीज़ मैं वहाँ से रेड करके फिर वो उसको वेरीफाई करके पहले मैनुअल टेस्टिंग करूँगा, उसके बाद में ऑटोमेशन में जाके उसको ऊपर। ओके, बट आप लोग ट्राई कर पाते हो उसको इंस्प्रिंट ऑटोमेट करने के लिए? हाउ डू यू अप्रोच? बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है कि ट्राई करती है कि भाई हमको ऑटोमेशन करना है, लेकिन उनको इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि बाबा कि वो लोग मैनुअल टेस्टिंग से बाहर निकले और फिर उसको ऑटोमेशन में जाए। यू गेट दैट पॉइंट, राइट? बिकॉज ऐसा बहुत बार होगा कि लगेगा कि यार हम लोग ने तो ज्वाइन किया था एज एन ऑटोमेशन टेस्टर, बट इवेंचुअली यू एंड अप वर्किंग मैनुअली बिकॉज इतना ज़्यादा टाफ होता है, राइट? सो आप लोगों की कंपनी में आप लोग इंस्प्रिंट ऑटोमेशन, अरे आप बीच में आए हो, लेकिन आपने कुछ तो नोटिस किया होगा कि यार यहाँ पे इंस्प्रिंट ऑटोमेशन हो रहे हैं कि लाइक एक ही स्प्रिंट में मैं चीज़ों को मैनुअली भी टेस्ट कर रहा हूँ और साथ ही साथ उसको ऑटोमेट भी करता हूँ। तो ये आप लोगों को क्या अप्रोच रहता है उसमें कि जो आप लोग कर रहे हो उसमें? तो क्या है कि जैसे कि जब एक डेवलपर कम, जब मतलब हमारी टीम में 8 डेवलपर हैं, 4 टेस्टर हैं, 2 यूआई 2 एपीआई। तो क्या करते हैं कि आपको क्या आपके इन रेशियो को मैनेज करके रखते हैं। क्या 8 डेवलपर 2:1 करके रखते हैं वो अपने हमारे अंदर। तो क्या मतलब 2 डेवलपर के लिए 1 टेस्टर, करेक्ट? तो हमारा क्या स्प्रिंट को भी मैनेज करके रखते हैं, डेवलपर और टेस्टर का रेशियो मैनेज होता है, तो हमारे पास बड़े होने का टाइम नहीं होता। प्लस मेन चीज़ ये होती है कि अगर कुछ बाई चांस हमें एक्सपेक्टेड होता है कि भैया अगर सपोज करो कुछ टेस्टर की मतलब कुछ प्रायोरिटीज की वजह से वो नहीं हो पाया है स्प्रिंट में, तो हॉट फिक्स लेके हम कर सकते हैं बीच में। ओके और वो बीच में कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में सारे फीचर्स ऑटोमेटेड है या कितने मैनुअल चल रहे हैं, कितने ऑटोमेटेड चल रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, एक मैनुअल टीम है अलग से मैनुअल टीम है, लेकिन क्या होता है कि वो मैनुअल टेस्टिंग करती हैं जब आपका ऑटोमेशन में उस इंटरवल पे कुछ नहीं होता है कि अभी नया प्रोजेक्ट आए और वो डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट के उनके पास पहुंच गया, तो वो क्या डेवलपमेंट के लिए जब उनके पास पहुंच रहा, अगर मैं जैसे एंड टू एंड में भी काम कर रहा हूँ, तो वो एंड टू एंड में पहुंचने से पहले वो एक उनके पास मैनुअल टेस्टिंग के लिए हो जाता है कि वो मैनुअल टेस्टिंग करते रहते हैं जब तक हमारा ऑटोमेशन तैयार नहीं होता। ओके okay. तो ठीक है, तो हमारा टेस्टिंग चलती रहती, लेकिन ऑटोमेशन भी साथ साथ में चल रहा है हमारा। तो हमारा क्या पैरेलली दोनों काम चल रहे हैं, तो टेस्टिंग भी हो रही है ऑटोमेशन। और जब ऑटोमेशन स्टार्ट मतलब खत्म हो जाता है तो ऑटोमेशन को हम रिलीज कर देते हैं स्प्रिंट में, तो हमारा वो टेस्टिंग ऑटोमेशन होती है, वो चीज़ को लेफ्ट करके नए फीचर्स को लेके आके वो मैनुअल टेस्टिंग उस पर स्टार्ट कर देते हैं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, मेक सेंस। एंड वन थिंग यार, जैसे आप लोगों के ऑटोमेटेड टेस्ट चलते हैं, ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिनेरियो ड्रिवन क्वेश्चन जो आमतौर पे पूछा भी जाता है, कि आमतौर पे जो आपके जेंकिंस पे टेस्ट रन होते हैं, चाहे आप उसको रिग्रेशन रन कर दो या सिर्फ आप यूआई के टेस्ट रन कर दो या स्मोक रन कर दो, सैनिटी, इनके टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? अगर आप लोग अभी जो टेस्ट रन करते, मैं बताता हूँ, मेरे पहले क्या है, मैं यूआई पे करता था, मेरे अराउंड 300 यूआई टेस्ट केसेस थे, ठीक है, 300 यूआई टेस्ट केसेस। उसमें आपने कितने सिनेरियोज थे? टोटल सिनेरियो है या अच्छा सिनेरियो है 300 है ना। अब इसके अंदर मैंने अराउंड मैं जब ज्वाइन हुआ था तो स्टार्टिंग में अराउंड 150 टेस्ट केस फेल हो रहे थे जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि डेवलपर टेस्टर था नहीं उस टीम में। मैं था मैं जब एज ए मतलब एक ही टेस्टर था उसमें, वो उसको ऑटोमेट भी करना पड़ता था और टेस्ट बाकी मेंटेनेंस भी करना पड़ता। तो बैकलॉग में हमारे 150 टेस्ट केस तो फेल होते थे, बाकी उसके बाद जो आपका एडिशनल जो भी ऐड होते हैं बैकलॉग में जाए जा रहा है। हाँ, तो उसको अराउंडली अगर मैं रन करता था, हाँ, ग्रेड में हमारे पैरेलल टेस्ट रन होते थे हमारे, हम तीन ग्रेड में लेके चलते थे पैरेलल के तीन। कौन सा? सेलेनियम ग्रेड था, सेलेनियम ग्रेड जी। और उसके बाद वो चीज़ रन होती थी और वो अराउंड लेती थी हमारा 4 आवर्स करीब लेती थी, और उसमें हम लोग 3 ब्राउजर सेशंस पैरेलली एक्टिव रन होते थे। ओके, एक सिनेरियो 3 सिनेरियो एट अ टाइम रन होते थे। ओके, एंड ये 3 सिनेरियो को रन करने के लिए आपको अराउंड 4 आवर्स लगते थे। हां, 4 एंड हाफ ऐसे। एंड डू यू यूज्ड टू एग्जीक्यूट इट एवरी सिंगल डे और व्हाट्स द थिंग? एवरी सिंगल डे तो नहीं होता था, ये तो रिग्रेशन होता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो ये रिग्रेशन में जाता था, ये टोटल रेस्केशन। तो ये कब रन होता था? स्प्रिंट से, ये स्प्रिंट से 2-3 दिन पहले इसलिए करते थे बाई चांस कि कुछ हमारे टेस्ट केसेस होते हैं उसको मेंटेन करना भी पड़ता था कि भाई ये चीज आपने, ये आपके इतने टेस्ट केस नए रन हुए तो ये चीज क्यों फेल हो रही है, तो उसको भी चेक कर लेना। वो सारी चीजें, कभी एक्सपाथ इशू कर गया, डेवलपर ने एक्सपाथ अपडेट किया तो वो चीज एक्सपाथ में प्रॉब्लम आ जाती है, लोकेट नहीं कर पाता है, वेट टाइम इशू आता था, ये सारे इश्यूज आते थे। ओके, एंड थ्रू आउट दिस टाइम जब आप यूआई में काम कर रहे थे, व्हाट वाज द मेजर इश्यूज दैट यू हैव फेस्ड, लाइक यही एक्सेप्शन सबसे ज्यादा आए हैं और वैसे आते रहते हैं? मेन चीज है कि मैं ये टाइम आउट लाइक बिलिंग नहीं है, एक तो सबसे पहली बात थी कि जो हमारा टाइम था, ये इशू के लिए मेन इशू था हमारा टाइम का, क्योंकि इस फंक्शनैलिटी हमने वेट कहीं भी यूज नहीं किया था। जो मेरे पुराना फ्रेमवर्क में हमारे जिसमें मैं गया था उसमें वेट नहीं यूज किया था, थ्रेड्स यूज कर रखे थे बहुत ज्यादा। ओके ओके, तो हाँ, तो अब क्या करता था कि वो वेट तो करता था उतने टाइम तक, लेकिन वो विजिबिलिटी और ये इशू भी चेक नहीं होते थे। प्रॉब्लम ये आती थी कि हमको पता ही नहीं चलता था कि वो क्यों एरर, कहाँ किस जगह आ रही है, इतने सारे टेस्ट केसेस से थोड़ी सी। हाँ, प्रॉब्लम ये आती थी कि स्टेबिलिटी हमको मिल ही नहीं पाती। हमको अगर हम किसी चीज़ को अगर टेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ में अगर आपका वेट लगा हुआ है तो हमको एटलीस्ट पता होता है कि ये एलिमेंट विजिबल नहीं हुआ या क्लिकेबल नहीं था, तो ये चीज़ में हमको फंक्शनैलिटी वेट के साथ में हमको मिल जाती है। लेकिन हमारे को जब थ्रेड यूज़ करते हैं तो हमको बस सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम इंटरवल के लिए हमारा स्टॉप होता है, हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एंड देन यू स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स E2E और देन यू मूव टुवर्ड्स API। E2E ओके, एंड E2E ओके, API E2E में आप लोग क्या यूज कर रहे हो? लाइक करंटली अगर आपको एंड टू एंड टेस्ट करना है तो आपके एंड टू एंड टेस्ट कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने के लिए, आप कैसे करते हो उसको? एंड टू एंड टेस्ट को ये हमारा जो मतलब ये तो पर डे रन होते हैं। ओके, नाइटली ये पर डे एंड टू एंड में होता है। बड़ी नाइटली रन करते हो कि कब रन करते हो? नाइटली सब पैरामीटर्स के साथ पीरियोडिकली विद पैरामीटर्स के साथ हमारा लिंक रहता है, तो ये ऑटोमेटिकली जब फ्री रहता है जेंकिंस तब वहाँ अपने आप रन कर देता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली रन किया। इसमें क्रॉन सेटअप नहीं हुआ है? मतलब क्रॉन सेटअप भी कर रखा है हमने, पीरियोडिकली विद पैरामीटर्स कर। वो हमको रिपोर्ट जनरेट करके देते रहते हैं। आपको तब हमारे दो टीम्स है ना, एक ऑन शोर मतलब यहाँ इंडिया की, एक यूएस की टीम, और दोनों हम मिलते हैं। तो वो शाम वो जब हम मिलते हैं तो एक शाम का एक मीटिंग रखते हैं इस चीज़ के लिए कि ये कनेक्टिविटी, ये टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर ये मतलब ऑन शोर को वाले को इन्फॉर्मेशन को भी देना पड़ता है उनको भी, ये ऑन शोर ऑफ शोर को कनेक्टिव कम्युनिकेशन टाइम के लिए टाइम पीरियड रखते हैं हम। एक मीटिंग्स पर डे या ऑल्टरनेट डेज में हम रखते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं कि नाइट टाइम ये इशूज़ आए, ये स्टेबिलिटी इशू आया, ये फंक्शनलिटी फेल हो गई है, ये चीज़ हम उसको या तो मॉर्निंग में सॉल्व करते हैं या फिर वो लोग इवनिंग में करते हैं ये चीज़। गॉट इट। और इनके आपके जो E2E टाइम होता है उनका एग्जीक्यूशन क्या होता है, कैसे तब तो कितना टाइम जाता है एग्जीक्यूट होना, ये जल्दी होते होंगे फटाफट ये? हाँ, E2E का टाइमिंग कम रहता है क्योंकि इसमें फंक्शनलिटीज हम चेक करते हैं बेसिकली। हम इसमें बेसिकली जो फंक्शनलिटीज जो होती हैं वो इसी पर मेन फोकस रखते हैं क्योंकि इनको हमको जो जिसके ऊपर पहले टीम टू टीम होके आया होता है, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जब एक टीम से दूसरी टीम के अंदर में अगर कुछ डेटा जा रहा है, जैसे कोई एक जॉब बनाया हमारा फ्रंट डेस्क पे, एक जॉब बनाया उसको लिंक करना है, एक असाइन एक फ्रंट डेस्क टीम है और एक असाइन टीम है, एक असाइन टीम है। तो उसके बीच में वो जॉब ट्रांसफर फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा, लाइव है कि नहीं, बेसिकली लाइव है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जॉब क्रिएट हुआ हमको असाइन वाले टेबल में हमको दिखना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंटरलिंक कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप माइक्रो सर्विसेज ज्यादा डिस्कस करोगे इस ओके, बट स्टिल लाइक जस्ट टू अंडरस्टैंड गिव मी अ नंबर कि आपके E2A टेस्ट को एक दिन में एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लग जाता है, एक कोई नंबर निकला होगा राइट? देखिए हाँ, तो हमारे E2A में प्रॉपरली अगर रन करवाएं तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 6 आवर करीब लग जाता है। 6 आवर डेली? और वो बट फिर वो आप लोग नाइट मतलब डेली वाला अलग है, डेली वाला अराउंड 2.5 लिस्ट लेता है और एक पूरा कंप्लीट जिसमें फ्रॉम एंड टू एंड जिसे बोलते हैं एक फंक्शनलिटी टेस्टिंग जिसमें सिर्फ फंक्शनलिटी हम चेक करना है, और एक होता है पूरा वो चेक करने के लिए पूरा चेक करना, पूरा डेटाबेस में चेक, वो वीकली एक बार होता है। आप लोग उसको वीकली करते हो? आई गॉट इट। एंड सिमिलर टू दैट तो उसको आप लोग ओके गॉट इट, मेक सेंस। वन थिंग ओवर हियर कि यार अपना जो आपके अभी टेक स्टैक क्या है, आप अभी कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो यार? हाँ, तो मैं अभी बेसिकली मैं सिलेनियम पे भी काम कर रहा हूँ। सिलेनियम तो अपस्ट्रीम के लिए है। दूसरा चीज़ ये है कि हम डेटा पे काम कर रहे हैं बेसिकली, डेटा टेस्टिंग जो कि वैलिडेशन होता है। तो हम एक 2 DBs को वैलिडेशन के लिए काम करते हैं। ओके, और इसके लिए हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं। ओके, पाइथन के फ्रेमवर्क, पाइथन का एक फ्रेमवर्क हमने डेवलप किया है जिसका एक फ्लो है जो कि एक डेटा को लेगा, एक डीबी से दूसरी डीबी से दूसरा डेटा लेगा, उसको कंपेयर करेगा, उसको वैलिडेट करेगा कि डेटा एक्यूरेटली सेम है कि नहीं है या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि नहीं है प्रॉपरली, उसको चेक किया जाए। उसके बाद वो रिपोर्ट जनरेट करेगा, वो रिपोर्ट को हम एक डीबी में स्टोर करेंगे जो कि हमारी सेंट्रलाइज्ड डीबी होगी। और कौन सी उसके ओके, और इस पाइथन वाले फ्रेमवर्क में आपने कौन सी लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स यूज किए हैं? वो लाइब्रेरी एक बेसिकली ये जो मतलब हमने जो यूज़ किया है इसका पाइथन के अंदर में बेस लाइब्रेरी का तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही कौन मैंने लाइब्रेरी तो बेस हाँ पांडा तो हमारा ये है। और एक दूसरी चीज़ है, एक लाइब्रेरी हमारे एक ओपन SSL है, एक SSL ब्रेक है हमारा, मेरे पास कुछ नेम्स हैं, कोई नहीं भेज देना बाबू। URL लाइब्रेरी एक 1.16 यूज करते हैं हम उसका वर्जन, कोई नहीं ठीक है, इसका नाम मेरे को भेज देना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्टिंग के लिए तो आप लोग इसमें पाई टेस्ट यूज कर रहे होगे वैलिडेशन के लिए, बराबर? हाँ, ये पाई टेस्ट यूज करते हैं जो भी बेसिक। और और इसके अलावा आप लोगों ने आपने कुकुम्बर पे काम किया था, बराबर? कुकुम्बर पे काम किया है। जब आप क्यूकम्बर की फीचर फाइल्स लिख रहे थे तो उसमें सबसे ज्यादा इश्यूज आपको किस चीज के आता, मतलब कुछ तो इश्यूज देखे होंगे? बेसिकली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, तो हमारी टीम्स ज़्यादा हैं, प्लस फ्रेमवर्क हम एक ही फ्लो में रखते हैं, मतलब एक ही फ्रेमवर्क है, तो उसमें मल्टीपल, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम कोड रीयूजेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखते हैं। तो अगर आप एक फीचर्स को अपने ऐसे बनाओ कि हर सिनेरियोज के लिए जो आप सिनेरियो आउटलाइन हर एक टेस्ट में लिखते हो, तो वो चीज़ को आप एग्जाम्पल में कुछ मेथड दे के ऐसा यूज़ कर पाओ कि इसको उसी सेम कोड को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर पाओ अलग अलग वे के लिए। इन ऑब्जेक्टिव रहता था हमारा। और दूसरी चीज़ है कि आप यूटिलिटीज़ में आपको यूज़ करके आपको यूज़ करना है उसको हर एक फ्रेमवर्क में। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको एक तो वेट टाइम, आपको मैंने पहले बताया था कि वेट टाइम हम यूज़ नहीं करते थे पहले, अब उससे हमारे को फैसिलिटी मतलब बहुत अच्छा स्कोप मिला वेट की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक ब्राउड मेन चीज़ है कि आपको ब्राउजर स्टैक को भी यूज़, मतलब जैसे ब्राउजर स्टैक है, परफेक्टो है, हम परफेक्टो यूज़ करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ों के लिए मल्टीपल ब्राउजिंग, मतलब ब्राउजर टेस्टिंग के लिए, हाँ वो मेन चीज़ है कि आपका फ्रेमवर्क ऐसा यूटिलाइज होना चाहिए कि हर एक मतलब हर एक ब्राउजर के लिए, जैसे क्रोम में चल रहा है तो क्रोम वाला सेम सिनेरियो आपके इसमें भी होना चाहिए, रन एज में भी हो जाए। ये आपके ब्राउजर स्पेसिफिक नहीं बनाना। गॉट इट। सो आप लोग क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग भी कर रहे हैं फिर आगे ऐसा, तो फिर वही ये सारी चीज़ें थी। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक जो एक्सपाथ है वो डायनेमिक होने चाहिए। डायनेमिक मीन्स जैसे कि आपको उसके अंदर कैस्केडिंग करके आपको पैरामीटर जो पास करना चाहो वो आप पास कर लो, और जैसे स्पेसिफिक बट हम बैकस्लैश आर दे के बनाते हैं वो वही रहना चाहिए। बटन या कोई टैग नेम हम यूज़ करके अगर यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि इन फ्यूचर अगर डेवलपर ने उस सिचुएशन को चेंज कर दिया तो हमारे को प्रॉब्लम होती है कि लोकेटर फटेगा। यस, ठीक है यार, दैट्स ऑल यार। बिकॉज ये आज का मेरा सेशन सबसे अच्छा लगा मेरे को तुमसे बात करके, हमेशा अच्छा ही लगता है क्योंकि बहुत कम टाइम में यार तुमने मुझे अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया कि किस तरीके से चलता है। एंड आई बिलीव कि जो भी The point is, we wanted to have a session in a way कि जो भी newcomers होते हैं या जो भी जिनको ज़्यादा पता नहीं होता है कि बाकी कंपनीज में प्रोजेक्ट्स किस तरीके से ऑटोमेट हो रहे हैं, ओके व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, वी आर फेसिंग और दे विल फेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते तो थोड़ा एक आइडिया हो जाता है। दैट्स द रीज़न आई वाज आल्सो मेकिंग द नोट्स ऑफ द सेम स्टफ, ठीक है, ताकि उनको पता चल जाए कि कैसे क्या है। ठीक है, आई विल श्योरली कनेक्ट विथ यू सून, एक और बार अपन कनेक्ट करते हैं कुछ नई चीज़ के साथ, ठीक है। आप थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, आपको ज्यादा वेट नहीं करूंगा, 4 बज गए अभी यहाँ पे। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू अगेन, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।